जय माँ मंगला गौरी, ओम नमो शिवाय। तो आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार माँ गौरी को समर्पित है। यह व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। मंगला गौरी व्रत महिलाओं के बीच उनके पति की लंबी आयु के लिए जाना जाता है। मंगला गौरी पौराणिक कथा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संजोग से उसकी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई शादी, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी एवं स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिला अपनी सास एवं नंद को 16 लड्डू देती है। इस मंगला गौरी व्रत को नियम के अनुसार करने से प्रत्येक पति के वैवाहिक जीवन में सुख की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पोत्रादि की प्राप्ति एवं पुत्र पोत्रादि का जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। जो कोई इस मंगला गौरी व्रत को सुनता, किसी को सुनाता, पढ़ता, किसी के पास जाके बोलता है, तो उसको माँ मंगला आशीर्वाद देती है और लंबी आयु का भी आशीर्वाद देती है। तो फ्रेंड्स, यह कथा यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूल।